दोस्तों अगर आपके पास में आधार सुपरवाइजर का, आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, अगर आप जो है आधार सेंटर या यूसीएल सेंटर को जो है संचालित करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि आधार सुपरवाइजर का या आधार जो ऑपरेटर का जिन लोगों के पास में भी सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है उन सभी को, या जो भी लोग आधार यूसीएल पहले से चला रहे हैं उन सभी को जो है अपना आधार सुपरवाइजर का या आधार ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है एक बार फिर से बनाना होगा। लेकिन दोस्तों फिर से बनाने में यहां पर एक जो है दिक्कत आई है वो आई है LMS सर्टिफिकेट की, जिसमें कि काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर LMS सर्टिफिकेट आखिर कैसे बनेगा और LMS सर्टिफिकेट आप जो है किस तरह से बना सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि LMS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो है LMS सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों LMS सर्टिफिकेट को समझने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपने चाहे पहले आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बनवा लिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर पहले से भी आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो अब वो सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा, आपको एक बार फिर से एग्जाम देनी होगी। ये एग्जाम इसलिए देनी होगी क्योंकि आधार सुपरवाइजर या जो आधार ऑपरेटर का काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर जो है आधार कार्ड करेक्शन के टाइम में काफी सारी गलतियां करते हैं, तो उनको जो है इससे रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है एग्जाम देकर, लेकिन ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसकी वजह से वो आधार कार्ड में गलतियां करते हैं और इससे जो है आम नागरिक को परेशान होना पड़ता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए UIDAI की तरफ से जितने भी सारे आधार सुपरवाइजर के या आधार ऑपरेटर के जिन लोगों ने भी सर्टिफिकेट बना रखे थे उन सभी को जो है यहां पर दोबारा से अपने आधार का सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का एग्जाम देना होगा और उनका जो फिर सर्टिफिकेट है दोबारा से जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर जितने भी सारे लोग जो है सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं आधार सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का, उन सभी को जो है LMS सर्टिफिकेट को प्राप्त करना होगा। मतलब जो आधार में क्या क्या काम किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो सारी की सारी लर्निंग आपको जो है LMS पोर्टल पर दी जाएगी। अब LMS पोर्टल पर दोस्तों अगर आप विजिट करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है। जब ये पोर्टल स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता था, जिससे कि VLE खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकता था या आम सिटीजन जो है खुद से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और आधार की ट्रेनिंग ले सकते थे। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो काफी सारे लोग जो है इसमें लॉग इन करने को लेकर कंफ्यूज है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जिन भी लोगों ने पहले अपना क्रेडेंशियल बना लिया था, यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया था, वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट टीम को जो है अभी नोटिस जारी किया गया है। मतलब अगर आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए या आपको जो है आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से जितने भी सारे CSC VLE हैं उन सभी का जो है यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना। आपको ये नहीं बनाना है क्योंकि आपके पास तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, जो भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, जिस भी जिले के आप रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा आपका जो है यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए शायद वो आने वाले समय में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका CSC आईडी, आपका ईमेल एड्रेस, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड करानी होगी। अब वो जैसे भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा और हुआ तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जितने भी सारे लोग आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को अभी यहां पर LMS सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से की जाएगी। जितने भी सारे CSC VLEs हैं उन सभी का पहले यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा, फिर यहां पर आप लर्निंग ले सकते हैं, फिर आपको यहां से LMS सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप जो है आधार सुपरवाइजर के या आधार ऑपरेटर के सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है LMS सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ी अपडेट थी जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जो है अभी जारी कर दी गई है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो है BC होगी उनको जो है आइडिया दिया जाएगा कि किस तरह से उनको CSC VLEs का आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको घबराना नहीं है। जब भी आप लोगों को यहां पर जो है आईडी पासवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।